आगरा में स्वान को पालने के लिए किराएदार महिला नगर निगम से परमिशन लेने की जुगत में लगी हुई है। किराएदार महिला का यह कदम विकलांग मालिक के लिए सिर दर्द बन गया है। किराएदार को स्वान पालने के लिए परमिशन न मिले, इसके लिए विकलांग मालिक भी पूरी तरह से जुट गया है। विकलांग मालिक ने अपने क्षेत्रीय पार्षद से लेकर अन्य जन प्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। पूरा मामला रकाबगंज थाना क्षेत्र के कुतुलपुर का है। पीड़ित विकलांग विजय ने बताया कि वो परिवार के साथ कुतुलपुर में रहता है। वे विकलांग है, इसलिए जीवन उपार्जन के लिए घर के ऊपर के कमरे एक महिला को किराए पर दे दिए, लेकिन उस महिला ने बिना हमारी अनुमति के लगभग आधा दर्जन स्वान पाल लिए। ये स्वान किसी न किसी को अपने शिकार बनाते रहते हैं। परेशान होकर महिला को बोला तो वो दबंगई पर उतर आई। पीड़ित विजय ने बताया कि किराएदार महिला दबंगई करने लगी तो उसकी शिकायत महापौर आगरा और सीएम योगी के पोर्टल पर की गई। महापौर ने शिकायत को गंभीरता से लिया और निगम के स्वान पकड़ने वाले दस्ते से सभी स्वानों को पकड़ने के लिए कहा। निगम के स्वान दस्ते ने लगभग 5 स्वानों को पकड़ा और साथ ले गए। एक स्वान को महिला ने खुद अगले दिन देने की बात कही, लेकिन अब वह उस स्वान को देने की बजाय उसके लिए परमिशन के लिए घूम रही है। समस्या लेके आए हैं, क्या समस्या थी इनकी और किस तरह का समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं? विजय सिंह एक सीधा साधा पूर्ण रूप से विकलांग व्यक्ति है। इसकी किराएदारनी द्वारा 5-6 कुत्ते पाल रखे थे। इनकी पत्नी को उन कुत्तों ने काटा, अड़ोसी पड़ोसियों को भी काटते हैं, उसमें गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ। हमने इनके शिकायत पर संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी महापौर जी को अवगत कराया। तुरंत ही महापौर जी ने डॉग स्क्वाड भेजा। डॉग स्क्वाड ने पुलिस बल की मांग की गई, थाना रखावन पुलिस ने पुलिस बल भेज करके, महिला पुलिस बल भेज करके डॉग स्क्वाड में डॉगों को ले गए। एक डॉग रह गया क्योंकि किराएदारनी ने आश्वासन दिया कि एक डॉग में एक दिन बाद हटा लूंगी, लेकिन 3 दिन हो गए वो डॉग ना हटा करके नगर निगम से परमिशन के लिए चक्कर। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह, क्या हुआ आपके साथ? हमारे ऊपर छत में 5-6 कुत्ते पाल लिए थे किराएदारनी ने। अच्छा, वो हमने शिकायत करके वो कुत्ते निकलवा दिए। अब जो नगर निगम से परमिशन मांग रही है, वो कई बार हमें कुत्ते काट चुके हैं, कई बार हमारे और एक बार हमारी घरवाली को काट गया, तो इस वजह से परमिशन ना मिले। लड़ाई झगड़े हो गए कुत्तों के चक्कर में और कई बार काट गए। पीड़ित विजय सिंह ने बताया कि किराएदार महिला उस स्वान को नगर निगम को तो नहीं सौंप रही, बल्कि स्वानों को पालने के लिए परमिशन के लिए अपनी जुगाड़ फिट कर रही है। अगर उसे परमिशन मिल गई तो वह पहले जैसा आतंक पैदा कर देगी, इसलिए क्षेत्रीय पार्षद के साथ साथ महापौर और सीएम योगी से एक बार फिर से मदद की गुहार लगाई है। उस महिला को स्वान पालने के लिए परमिशन ना दी जाए। अगर वह स्वान पालना चाहती है तो वह उसका घर खाली करके कहीं और किराए पर रह सकती है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट।